वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन टीवीएस मोटर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे नजर आ रहा है टीवीएस मोटर के अंदर। यहाँ पे न्यूज़ की बात की जाए तो रिसेंटली बीएमडब्ल्यू टीवीएस स्टडिंग प्रोफेशनल ऑफ फॉरवे इनटू रॉयल एनफील्ड स्टॉक। वो देख सकते कि न्यूज़ की बात की जाए तो कोई खास लेटेस्ट अपडेट नहीं है रिगार्डिंग या फिर टीवीएस मोटो। पर टीवीएस मोटो में देख सकते कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिले पिछले कई दिनों में। स्टार्ट ऑफ द मंथ से गिरावट हो रहे, आज भी देख सकते तकरीबन 1% से ज़्यादा गिरावट हो चुके हैं। टोटल 15 पॉइंट तक गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। जैसे ओपन हुआ स्टॉक ने 1000 लेवल को भी ब्रेक डाउन किया और तकरीबन गिरावट नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप देख सकते 46,000 करोड़ का है। पी रेशियो देखा जाए तो 38 है और डिविडेंड यील्ड हल्का सा है। पर पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर 3% से ज्यादा गिरावट हो चुके हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम टोटली 4,33,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू 4,290 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। तो देख सकते कि तकरीबन बाइंग और सेलिंग की क्वांटिटी के ऊपर नजर डाली जाए तो तकरीबन सेम क्वांटिटीज नजर आ रहे। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखिए जाए तो देख सकते कि तकरीबन 3 लाख में से 1,23,000 क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 40%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक में देख सकते स्टार्ट ऑफ द मंथ से गिरावट हो रही है। तो रिसेंटली यहाँ पे 1000 लेवल को भी ब्रेकआउट दिया है आज और स्टॉक नीचे जा रहा है। तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, सभी के माइंड में ये सवाल होगा, क्योंकि देख सकते कि काफी गिरावट नजर आ रहे, जो कि यहाँ पे 1000 लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल थी उसको ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। और रिसेंटली अभी देखा जाए तो 950 लेवल जो है वो 950 टू 930 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो सकती है टीवीएस मोटर के लिए। जो यहाँ पे जो रेंज है यहाँ पे मंथली सपोर्ट 2 है 935 पे, तो इस रेंज में यहाँ पे सपोर्टिव लेवल बन सकती है स्टॉक के लिए।